हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छा होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मिस्टेक के बारे में जो ज्यादातर के न्यू क्रिएटर करते हैं, देन वो मिस्टेक करने से काफी सारे नुकसान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे यदि आप वो मिस्टेक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे काफी सारे एक्सेस आप खो बैठते हैं, देन यहाँ पे आप फेसबुक से पैसे भी कमा नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि एक गलती की वजह से आप फेसबुक से पैसे नहीं निकाल पाते हैं, एक गलती की वजह से आपका पे आउट जो है वो गड़बड़ा जाता है, यानी कि पे आउट में आपको एरर दिखने को मिलता है, एक गलती की वजह से आप यहाँ पे स्टार्स का एक्सेस खो बैठते हैं, एक गलती की वजह से आपका मोनिटाइजेशन भी डिसेबल हो सकता है। तो दोस्तों, आखिर वो एक गलती है क्या, आज इस वीडियो में बताएंगे और मैं ये भी बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं भी टू विवेक, आप सभी का ब्यूटेक जोन में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मोबाइल स्क्रीन दिखने वाला है। मोबाइल स्क्रीन पर जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको साइड में मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा और दोस्तों देख पा रहे हैं, ये मेरा फेसबुक एप्लीकेशन है, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। देन यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक आईडी है, मैं उसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक आईडी है मेरे पास अदिति सेंड करके। देन इनके साथ जो समस्या आया है वो आप सभी के बीच यहाँ पे रखने वाला हूँ और दोस्तों आपको भी बताने वाला है कि ऐसा गलती ना करें ताकि आपको भी ऐसे गलतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इनके होम पेज में आ चुका हूँ। देन यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद सबसे पहले एक चीज मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे नीचे की तरफ आता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नेट स्लो है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ मैं आ चुका हूँ। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे, यहाँ पे इनके टूल में नहीं, यहाँ पे दोस्तों मोनिटाइजेशन शो हो रहा है, नहीं दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है इनका पे आउट, यहाँ पे दोस्तों कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, मोनिटाइजेशन का भी गया नहीं है, यहाँ पे दिख रहा होगा मोनिटाइजेशन का सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं टैप करता हूँ। देन यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे कि इस तरह से इंटरफेस निकल के सामने आया है। देन यहाँ पे देख पा रहे मोनिटाइजेशन स्टेटस इनका जो है ना क्लियर है, यानी कि दोस्तों ये अर्निंग के लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं और दोस्तों जो भी इन्हें जो अभी तक टूल मिला है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्टार्स वाले पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्स वगैरह भी देख पा रहे हो कुछ इस तरह से यहाँ पे इनका दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे दिखा दू, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे अर्निंग्स वाले पे जो है ना, यहाँ पे देख पा रहे हो 0-0 यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करा तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे, यहाँ पे एड योर टैक्स इन्फो टू गेट पेड। तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है, यानी दोस्तों एक गलती जिसके कारण आप यहाँ पे सारे चीज का एक्सेस खो सकते हैं, वो दोस्तों गलती होता है यही, यानी कि दोस्तों टैक्स इन्फो। यदि दोस्तों आप पे आउट सेटअप करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं ये न्यू क्रिएटर के लिए है, ओल्ड क्रिएटर के लिए भी ये रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ओल्ड क्रिएटर भी यहाँ क्या गलती करते हैं वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो पे बने रहे। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे काफी लोग करते क्या है ना कि पे आउट का सेटअप कर लेते हैं, देन वो करते क्या है कि टैक्स इन्फो का फॉर्म भरते ही नहीं है। यानी कि दोस्तों जब वो पे आउट का सेटअप करते हैं ना, तो पे आउट का सेटअप करते वक्त वहां पे आपको जो है ना टैक्स इन्फो फॉर्म भरने का भी आपको जो फॉर्म है वो आपको आता है, आप करते क्या है कि आप उसको स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, लेकिन होता क्या है कि आप भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि दोस्तों किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे, यदि आप टैक्स इन्फो फॉर्म नहीं भरते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे, आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का एक्सेस खो जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा दू, यहाँ पे जो है ना आप यहाँ पे अपना स्टार्स का एक्सेस खो जाइएगा, यानी दोस्तों आपका स्टार्स जो है वो दोस्तों एक्सपायर हो जाएगा। और दोस्तों एक्सपायर होने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना काफी प्रॉब्लम आने वाली है, यानी दोस्तों आप स्टार्स से यहाँ पे अर्निंग नहीं कर पाइएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप कैसे कर पाइएगा वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों सबसे पहला तो मिस्टेक यही होता है जो आप करते हैं, देन उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो ये होता है। दूसरा मैं बता दूं कि आप जो है ना यहाँ पे जब तक यहाँ पे टैक्स इन्फो फॉर्म नहीं भरते, यानी दोस्तों जब तक आप ये एड टैक्स इन्फो फॉर्म नहीं भरते तब तक आप जो है ना फेसबुक से एक भी डॉलर नहीं निकाल पाइएगा। एक डॉलर तो छोड़िए, 0.01 डॉलर भी नहीं निकाल पाइएगा, बल्कि दोस्तों इतना निकलता भी नहीं है, कम से कम 25 डॉलर निकलता है, इतना तो आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, यदि आप ये एड टैक्स फॉर्म नहीं भरते, यानी कि टैक्स फॉर्म आप फिलअप नहीं करते, यूएस टैक्स फॉर्म, तो दोस्तों आप यहाँ पे फेसबुक से पैसे नहीं निकाल पाइएगा। दूसरा कि आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका स्टार्स एक्सपायर हो जाएगा, यानी दोस्तों आप स्टार्स से भी एक्सेस खो बैठिएगा। और दोस्तों यहाँ पे और भी ज्यादा डिले होता है तो आप यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे मोनिटाइजेशन से आप एक्सेस खो बैठिएगा, यानी कि दोस्तों आपका मोनिटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, आपका यहाँ पे
पे आउट जो है वो दोस्तों डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद होगा क्या कि आप इस आईडी से फिर दोबारा मोनिटाइजेशन एनेबल नहीं कर पाइएगा। ये मैं बता दूं, एक के साथ ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग को मैं यहाँ पे अवेयर कर दूं कि आप यहाँ पे ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। जैसे ही आपको इस तरह के नोटिफिकेशन दिखे तो आप तुरंत यहाँ पे एयरटैक्स इन्फो पे क्लिक करके आप अपना यूएस टैक्स फॉर्म सबमिट कर दे। यदि आपको नहीं आता है कि टैक्स फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी 2 नहीं 3 नहीं 4 5 वीडियो बना रखा है। ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर देख ले। तो चलिए दोस्तों मैं बता दूं कि आप जो है इन्हीं गलती की वजह से आप यहां पे अपने फेसबुक का यहां पे मोनेटाइजेशन खो सकते हैं, यहां पे पेआउट्स आपका डिसेबल हो जाएगा और दोस्तों यहां पे स्टार्स भी डिसेबल होता है, यानी कि आप स्टार का एक्सेस खो बैठते हैं और दोस्तों यहां पे सब्सक्रिप्शन का भी एक्सेस खो बैठते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मिस्टेक क्या नहीं करना है। यानी दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम पेआउट का सेटअप करते हैं तो दोस्तों कोशिश करें आप उसी टाइम जो है ना टैक्स इन्फो फॉर्म भी सबमिट कर दे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम यही करें। यदि आप फिर भी किसी रीजन से आप नहीं कर पाते हैं उस टाइम जब फर्स्ट टाइम आप पेआउट को क्रिएट करते हैं तो उस समय आप यहाँ पे एड टैक्स इन्फो को स्किप कर देते हैं, तो जैसे ही आपको इस तरह से नोटिफिकेशन आए तो आप यहाँ पे तुरंत फिलअप करें ताकि आपका यहाँ पे स्टार एक्सपायर ना हो और दोस्तों आपका यहाँ पे मोनेटाइजेशन डिसेबल ना हो या पे आउट डिसेबल ना हो। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, आपको कैसे वर्क करना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए। और दोस्तों मैं इसमें इसका सोल्यूशन नहीं देने वाला हूँ क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने काफी सारा वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर देख लो। और दोस्तों फिर भी आप रिक्वेस्ट करते हो कि नहीं एक और वीडियो लाओ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एड टैक्स इन्फो में कुछ अपडेट्स आया है जो कि दोस्तों बताना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, जितना जल्दी हो सके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये हेल्पफुल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।